गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की इस सीरीज में हम लोग आज विधि प्रथम वर्ष एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फैमिली लॉ फर्स्ट, पारिवारिक विधि प्रथम, हिंदू विधि के टॉपिक मेंटेनेंस एंड एलिमनी, भरण पोषण और निर्वाहिका, जो सेक्शन 24 और 25, सेक्शन धारा 24 और 25 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, where in any proceeding the wife of the wife or the husband as the case may be has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may on the application of the wife or the husband order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding and monthly ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अ सम एज हैविंग रिगार्ड टू द पिटिशनर्स ऑन इनकम ऑफ द रेस्पोंडेंट इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसिज ऑफ द प्रोसीडिंग एंड सच मंथली सम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सेल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हजबेंड एज द केस मे बी। अर्थात आज हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24, जिसके अंतर्गत मेंटेनेंस, अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के खर्चे के बारे में बताया गया है, और साथ ही धारा 25 जिसमें परमानेंट एलिमनी, स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण के प्रोविजंस दिए गए हैं को यहाँ पर पढ़ें। सेक्शन 24 के अंतर्गत जो मेंटेनेंस हम मांगते हैं उसको निर्वाहिका मीन्स की वह भत्ता या ऐसा खर्चा जो विधि के अंतर्गत अगर दोनों पक्षकारों का मैरिज विवाह सिद्ध हो जाता है तो पति या पत्नी में से कोई भी विवाह सिद्ध संपन्न हो जाना सिद्ध होने पर या यह सिद्ध होने पर कि वह अलग रह करके मेंटेनेंस के हकदार हैं, वो इसकी डिमांड कर सकते हैं। मेंटेनेंस से तात्पर्य यहां पे निर्वाहिका और भरण पोषण का सिद्धांत है कि पति और पत्नी, पति का पत्नी के भरण पोषण का उत्तरदायित्व ना केवल उस समय है जब वो उसकी पत्नी है, बल्कि उस समय भी उसका उत्तरदायित्व बनता है जब वो उसकी पत्नी नहीं है, यानी कि विवाह विच्छेद के पश्चात भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको भरण पोषण दे। इसी व्यवस्था को सेक्शन 24 धारा 24 के अंतर्गत किया गया है। वादकालीन भरण पोषण जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस जो है अंतरिम भरण पोषण, उसे कहते हैं जो कार्यवाही आरंभ होने से, जैसे ही कोर्ट में कोई पक्षकार, जैसे मान लीजिए किसी के बीच में डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, या फिर डिग्री तलाक की कार्यवाही चल रही है, तो कार्यवाही आरंभ होने से डिग्री पास होने तक न्यायालय की आज्ञा द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। सेक्शन 24 में कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को अगर ऐसा लगता है कि पति या पत्नी की कोई ऐसी स्वतंत्र आय नहीं है, इनकम नहीं है, जिससे कि वो अपनी खुद की संभाल कर सके और कार्यवाही के आवश्यक खर्चे उठा सके, तो फिर कार्यवाही में होने वाले खर्चे और कार्यवाही के दौरान न्यायालय दूसरे पक्षकार से उसको प्रतिमाह ऐसी राशि दिलवा सकता है जो अर्जीदाता की उसकी आय और प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को उचित प्रतीत होती है। यहां पे सेक्शन 24 में मेंटेनेंस परमानेंट
एलिमनी जिसे हम लोग सेक्शन 25 में पढ़ेंगे, बट अंतरिम भरण पोषण प्रार्थी के भरण पोषण और कार्यवाही के आवश्यक व्यय जो होंगे वो सेक्शन 24 में न्यायालय दिलवा सकता है, जब न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि दूसरे पक्षकार के पास कार्यवाही के खर्चों के लिए आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं। प्रोसीडिंग मस्ट बी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यहाँ अनुतोष प्राप्त करने के लिए या भरण पोषण प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आवश्यक ये है कि सारी जो कार्यवाही है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत होनी चाहिए। सेक्शन 21 सब क्लोज ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहा गया है कि यह जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे हिंदूज पे। एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट अर्थात न्यायालय द्वारा ए दासा कुमार वर्सेज ए सुनंदा 2001 2HLR 325 आंध्र प्रदेश और विनोदिनी वर्सेज गोपीनाथन 2006 461 केरला हाईकोर्ट द्वारा यह कहा गया कि न्यायालय द्वारा न्यायालय इस तरह का आदेश दे सकता है, अनुतोष दिला सकता है, बट सारा कार्यवाही जो है वो सब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह संपन्न हुए या दोनों पक्षकारों के बीच विवाह संपन्न हो जाना सिद्ध होने पर ही पृथक भरण पोषण के वो अधिकारी होंगे। मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस, अब बात आती है कि मेंटेनेंस हम किसे कहेंगे। धारा सेक्शन 24 में कहा गया है मेंटेनेंस कि मेंटेनेंस दिलाएंगे। अब मेंटेनेंस है क्या, इसे हम एक केस के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रदीप कुमार कपूर वर्सेस शैलजा कपूर AIR 1989 दिल्ली हाईकोर्ट। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि धारा 24 में भरण पोषण और गुजारे का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन यापन के लिए पैसे देना। यहां पे सेक्शन 24 में कहा गया है कि प्रार्थी के पास उसकी स्वतंत्र आय और खुद को सपोर्ट करने का कोई साधन नहीं है, अर्थात जब उसके पास खुद को मेंटेन करने का कोई साधन ही नहीं है तो यहां फिर उसको स्वतंत्र आय नहीं होना, उसको जीवन यापन के लिए रकम देनी पड़ेगी। इसी तरह वी उषा रानी वर्सेज KLN राव 2000 55 हरियाणा 371, इसमें भी यही कहा गया कि प्रार्थी के पास स्वतंत्र आय और उसको सपोर्ट करने के साधन नहीं है तो यहां केवल उसका मूल अस्तित्व बेर एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रार्थी को उस सुख सुविधा से रहे जैसे कि अप्रार्थी रह रहा है। द वर्ड सपोर्ट इन सेक्शन 24 इज सिनोनिमस ऑफ द वर्ड मेंटेनेंस एज डिफाइंड बाय सेक्शन 3 क्लॉज बी एंड सब क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अर्थात यहाँ पे आय से तात्पर्य है कि वो अपने आप की लाइफ को मेंटेन करे, अपना जो उसका लाइफ स्टाइल है उसको वो मेंटेन। अब बात आती है कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, हु कैन अप्लाई। द प्रोविजन इज दैट आइदर द वाइफ और हस्बैंड कैन अप्लाई फॉर मेंटेनेंस इवन इफ मैरिज इज वॉइड। अर्थात सेक्शन 24 में मेंटेनेंस के लिए भरण पोषण के लिए हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी प्रार्थना पत्र दे सकता है। धारा 24 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यह आवश्यक है कि पति और पत्नी होने चाहिए। पति और पत्नी से तात्पर्य है कि वैध विवाह के पति पत्नी में से कोई अंतरिम भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। यहाँ पे विवाह के अवैध या शून्य होने पर भी उस विवाह के पक्षकार हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे और वो भी मेंटेनेंस के लिए
अंतरिम भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। लक्ष्मी वर्सेज अयोध्या AIR 1991 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि इफ क्लेमेंट हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम फॉर सपोर्ट, कि अगर प्रार्थी के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है, हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम टू सपोर्ट हरसेल्फ और हिमसेल्फ, तो वो उसके लिए आवेदन दे सकता है। द वर्ड इंडिपेंडेंट seems to mean income which she has independently of the other spouse and any other person. यहाँ independent से तात्पर्य है कि उसके पास अपनी खुद के स्वतंत्र आय के साधन नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है। इसी तरह राधिका बाई वर्सेस साधुराम AIR 1970 मध्य प्रदेश 14, if wife is educated and capable of earning is no ground for denying her अंतरिम मेंटेनेंस इंडिपेंडेंट इनकम इज नॉट इक्विवेलेंट टू अर्न। यहां तक कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राधिका बाई के केस में ये कहा गया कि अगर मान लीजिए वाइफ जो है वो एजुकेटेड है और अर्न करने में कैपेबल है, तो भी उसका अंतरिम भरण पोषण इस आधार पर डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट इनकम जो है वो अर्न के इक्विवेलेंट नहीं है कि वो अर्न कर सकती है। यहाँ पे स्वतंत्र आय से तात्पर्य है कि उसके पास अपनी कुछ भी आय न देने वाली संपत्ति आय नहीं है, अर्थात उसके पास खुद का साधन नहीं है। मीनिंग ऑफ इनकम। सेक्शन 24 यूजेस द वर्ड इनकम एंड सेक्शन 25 यूजेस द वर्ड्स इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी। धारा 24 में आय वर्ड यूज किया गया है और सेक्शन 25 में इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी, आय और दूसरी संपत्ति वर्ड यूज किया गया, अर्थात धारा 24 के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के व्यय और 25 में स्थायी निर्वाहिका और उपबंध के व्यय दिए गए हैं, जबकि प्रार्थी के पास उसकी कोई स्वतंत्र इनकम नहीं हो, धारा 24 में ऐसा कहा गया है। और सेक्शन 25 में धारा 25 में कहा गया है कि उसके पास उसकी आय और दूसरी आय के स्रोत अदर प्रॉपर्टी नहीं। गीता वर्सेस प्रभात AIR 1988 कलकत्ता 83 के केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि आय शब्द का हम अर्थ चाहे कितना भी विस्तृत रूप से समझें, उसके अंतर्गत प्रार्थी की चल अचल संपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं बल्कि आय का प्रयोग किया गया है, इनकम, अर्थात इनकम जो है जो उसको आय हो रही है उसका प्रयोग किया गया है, ना कि इनकम का साधन कि उसके पास पर्याप्त प्रॉपर्टी है। ऐसा क्योंकि हो सकता है कि जो उसके पास संपत्ति हो वो आय न देने वाली हो, इसलिए आय देने का साधन भले ही वो हो बट आय नहीं है। जैसे पिता से वसीयत में प्राप्त संपत्ति भी आय नहीं है। हेमा वर्सेज भट्ट AIR 1986 केरला हाईकोर्ट, इन दोनों केसेस में कहा गया कि आय से तात्पर्य यहां पे सिर्फ और सिर्फ उनकी स्वतंत्र आय से है, बाकी आय न देने वाले जो प्रॉपर्टी है उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। फॉर अंतरिम मेंटेनेंस ओनली इनकम ऑफ द क्लेमेंट हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड नॉट इज ओर एन अदर असेट्स, अर्थात आय सेक्शन 24 में आय से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकम से तात्पर्य है, जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है आय न देने वाली संपत्ति, आय देने वाली संपत्ति से कोई अभिप्राय नहीं। सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। धारा 25 जो कि स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण की बात करती है। सेक्शन 25 क्लॉज फर्स्ट, एनी कोर्ट एग्जिस्टिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट मे एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट डेरिटो एंड एप्लीकेशन मेड to it for the purpose by either the wife or the husband as the case may be ordered that the
respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as having regard to the respondent's own income and other property of the applicant, the conduct of the parties and other circumstances of the case. It may seem to the court to be just and any such payment may be secured if necessary by a charge on the immovable property of the respondent. अर्थात धारा 25 में स्थायी निर्वाहिका की व्यवस्था की गई है. स्थायी निर्वाहिका के अंतर्गत पति या पत्नी में से कोई भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में लगा सकता है. सुनने और सुनने करने विवाह के पत्नी या पति भी भरण पोषण और निर्वाहिका पाने के हकदार होंगे. स्थायी भरण पोषण और निर्वाहिका के प्रार्थना पत्र का आधार सिर्फ इतना सा है कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है. यदि किसी पक्षकार के पास अपने अपने को मेंटेन करने के अर्थात अपने भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो वो न्यायालय में स्थायी भरण पोषण और निर्वाहिका का आदेश या इस आधार पर न्यायालय में याचिका लगा सकता है. यह बात इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कि कोई पक्षकार स्थायी निर्वाहिका के योग्य है या नहीं है या वो अर्न कर सकता है. यहाँ पे सिर्फ ये है कि रेस्पोंडेंट्स ऑन इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी टू द एप्लीकेंट टू कंडक्ट द पार्टीज एंड अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. इन सब को देखते हुए कि अगर उसके पास इमोबल प्रॉपर्टी और इस तरह की कोई चीज नहीं है तो वो इस आधार पर न्यायालय में परमानेंट एलिमनी के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं. सब क्लोज टू इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ आइदर पार्टी एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इट मे एट द इंस्टेंस ऑफ आइदर पार्टी वेरी मॉडिफाई और रिस्काइंड एनी सच ऑर्डर इन सच मैनर एज द कोर्ट मे डीम जस्ट. न्यायालय जो है इस आधार पर याचिका को जब कोर्ट इस समाधान हो जाए कोर्ट से संतुष्ट हो जाए कि परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है तो सब सेक्शन फर्स्ट में जो उसने मेंटेनेंस की डिग्री दी थी उसमें वो चेंज कर सकता है, उसको खारिज भी कर सकता है, विखंडन भी कर सकता है. एंड सब क्लॉज 3 इज इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हूज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन हैज रीमैरिड और if such party is the wife that she has not remained chaste or if such party is the wife that she has not remained chaste or if such party is the husband that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock it may at the instance of the other party vary modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just. अर्थात जब न्यायालय को यह समाधान हो जाए कोर्ट तथ्य से सेटिस्फाइड हो जाए कि जो है जो उसने ऑर्डर पारित किया था उन परिस्थितियों में कुछ चेंजेज आ गए जैसे कि पक्षकारों ने विवाह कर लिया या वाइफ जो थी वो अनचेस्ट नहीं रही या हस्बैंड जो हैं उनकी किसी के साथ अपने पक्षकारों के अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप है उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स का कमिट किया तो फिर इस आधार पे वो उनमें परिस्थितियों में चेंजेज कर सकते. स्वामी नारायण वर्सेज जयलक्ष्मी 1975 मद्रास हाई कोर्ट का एक केस है. इसी तरह कुलदीप वर्सेज गीता 1977 दिल्ली हाई कोर्ट. इन दोनों केसेस में न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षकार जो हैं वो इन सेक्शन 25 द वर्ड यूज हस्बैंड और वाइफ वर्ड यूज किया गया है. दोनों में से कोई भी पक्षकार इस आधार पर न्यायालय में स्थायी भरण पोषण और निर्वाहिका का एप्लीकेशन लगा सकता है. बस और बस उन दोनों के पास जो है उनकी जो एप्लीकेशन लगा रहा है उस प्रार्थी के पास अपनी आय के पर्याप्त साधन नहीं होने चाहिए. अगर उनके पास अपनी आय के पक्षकार के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो न्यायालय स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण का आदेश दे सकता है. यहाँ पे धारा 25 में जो है पति और पत्नी शब्द यूज किए गए हैं हस्बैंड और वाइफ.
पति और पत्नी से तात्पर्य है कि न्यायिक कार्यवाही के वे पक्षकार जिनके बीच में विवाह का अनुष्ठान संपन्न हुआ है। धारा 25 के लिए विवाह के विघटन या विवाह विच्छेद की डिग्री पारित होने पर भी वे व्यक्ति पति और पत्नी ही कहलाएंगे। इसलिए इस आधार पे स्वामी नारायण वर्सेज जयलक्ष्मी 1975 मद्रास केस में और कुलदीप वर्सेज गीता 1977 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस आधार पे वो स्थायी भरण पोषण और निर्वाहिका की मांग कर सकते हैं, क्योंकि धारा 25 के लिए विवाह के विघटन या विवाह विच्छेद की डिग्री पारित होने के बाद भी वे व्यक्ति पति या पत्नी ही कहलाते हैं। कंसीडरेशन फॉर फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। अब बात आती है कि जो कंसीडरेशन अमाउंट फिक्स किया जाता है मेंटेनेंस का, उस किस आधार पे वो फिक्स किया जाता है। तो इसे हम तीन टाइटल्स के अंतर्गत समझ सकते हैं कि जो भरण पोषण की राशि निर्धारित की जाएगी न्यायालय द्वारा, तो वो इन चीजों को ध्यान में रख के मेंटेनेंस फिक्स करेगा। फर्स्ट है इनकम एंड प्रॉपर्टी एंड एबिलिटी ऑफ क्लेमेंट एंड इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन क्लेमेंट। अर्थात जो पक्षकार हैं पति या पत्नी किसी के भी प्रार्थना पर न्यायालय स्थायी भरण पोषण निर्वाहिका की डिग्री पारित कर सकता है, लेकिन वो पारित करते समय क्या देखेगा कि दोनों पक्षकार जो हैं इनकम एंड प्रॉपर्टी एंड एबिलिटी ऑफ क्लेमेंट, अर्थात दोनों पक्षकारों की आय और संपत्ति, एंड सेकंड इज कंडक्ट ऑफ पार्टीज, पक्षकारों के आचरण, और एंड द थर्ड लास्ट इज एनी अदर सर्कमस्टांसेस और फैक्टर रिलेवेंट फॉर द पर्पज, अन्य कोई विशेष तथ्य या परिस्थितियां जो कि उसके ऊपर उनका जीवन डिपेंड करता है। सबसे पहले बात आती है कि पक्षकारों की आय और संपत्ति। भरण पोषण निर्वाहिका की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय जो है वो दोनों पक्षकारों की आय और अन्य संपत्ति को हमेशा ध्यान में रखेगा। पत्नी अगर मान लीजिए इस आधार पे न्यायालय में याचिका लगाती है कि पति की आर्थिक और सामाजिक स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा है और उसका इतना अच्छा नहीं है, तो फिर वो ये जो है अपने वैवाहिक स्तर के जो पहले का उसका लाइफ स्टाइल था उसको मेंटेन करने के लिए उसको उससे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो न्यायालय ये फिक्स करते समय हमेशा ये देखेगा कि वाइफ की जो है उसकी स्वतंत्र आय तो नहीं है ना। अगर वो कहीं से कमा रही होगी तो फिर जैसे उसकी नौकरी है, तो न्यायालय अमाउंट फिक्स करते टाइम इन सब चीजों को ध्यान में रखेगा, और साथ ही जिससे वो दिलवा रहा है उस पक्षकार की आय और जो मूल वेतन है उसके बाद जो उसकी समस्त कटौती जो होंगी, और उसके अलावा उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग होंगे जैसे उसके मान लीजिए ओल्ड पेरेंट्स हैं, वृद्ध माता पिता हैं, तो उनके मेंटेनेंस की राशि निकाल करके प्रतिपक्षी की राशि निर्धारित की जाएगी। अर्थात जब भी न्यायालय मेंटेनेंस देगा तो इनकम एंड प्रॉपर्टी एंड एबिलिटी ऑफ क्लेमेंट की उसकी आय क्या है, उसकी संपत्ति कितनी है, और उसके बाद उसकी देने की कैपेसिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, इसके साथ ही कि दूसरा जो पक्षकार है उसकी इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन क्लेमेंट की जो ले रहा है उसकी भी आय क्या है, उस आधार पे वो न्यायालय आमतौर पे न्यायालय स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण की राशि पति की कुल आय के 1/3 भाग तक ही देने की कोशिश करता है। इसके अलावा न्यायालय का डिस्क्रिप्टिव पावर है कि वो किस आधार पे न्याय हर केसेस की परिस्थितियों के आधार पर डिपेंड करता है कि वो इस राशि को कम या ज्यादा कर सकता है। एक केस कृष्णा वर्सेस पद्मा 1968 मैसूर हाईकोर्ट, यहाँ पे न्यायालय ने कहा कि 1/3 का नियम न्यायालय के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकता है, बट हमेशा न्यायालय का डिस्क्रिप्टिव पावर है कि वो ये देखे कि न्यायालय किस आधार पे मतलब उनकी इनकम और प्रॉपर्टी और दूसरा उस पर डिपेंड लोग जो है उनके देख करके उन सबको ध्यान में रखते न्यायालय मेंटेनेंस फिक्स करे। इसी तरह शांति देवी वर्सेस राघव 1986 राजस्थान हाईकोर्ट का एक केस है, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस की राशि ऐसी होनी चाहिए जिससे कि प्रार्थी भी सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। एंड द सेकेंड इज कंडक्ट ऑफ पार्टीज, न्यायालय जब भी मेंटेनेंस देखता है तो पक्षकारों का आचरण भी देखता है। पक्षकारों का आचरण से तात्पर्य है कि पक्षकारों का एक दूसरे के
प्रति क्या आचरण है, पक्षकारों का विवाह के प्रति क्या आचरण है और पक्षकारों का न्यायालय के प्रति क्या आचरण है। अगर ये सब सही है, जैसे आपने सेक्शन 25 के थर्ड क्लोज में देखा कि अनचेस्ट हैं या फिर कहीं और हैं या उनकी मैरिज हो गई है, तो फिर इस आधार पर न्यायालय मेंटेनेंस की राशि को रद्द भी कर सकता है, न्यायालय डिग्री को रद्द कर सकता है, कम या ज़्यादा भी कर सकता है मेंटेनेंस को। इसी प्रकार न्यायालय एनी अदर सर्कमस्टांसेज और फैक्टर्स रिलिवेंट फॉर द पर्पज, कि अन्य तरह के जो और जो होंगे विशेष तथ्य और परिस्थितियाँ जो होंगी उनको भी न्यायालय इसमें देखता है और इस आधार पर न्यायालय मेंटेनेंस की राशि को फिक्स करता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई फैमिली में किसी अन्य रोग से पीड़ित है या कुछ और परिस्थितियां हैं, कुछ अलग चीजें हैं, तो न्यायालय उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख करके सामान्य परिस्थिति में निर्धारित की गई धनराशि से अधिक हो सकती है या कम या ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड जिससे मेंटेनेंस दिलाया है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो किसी परमानेंट बीमारी से ग्रसित हैं और उसके इलाज में उसका काफी खर्च होता है, तो मेंटेनेंस कम भी कर सकता है। और इसी तरह अगर वाइफ के इलाज में ज्यादा खर्च होते हैं या उसके साथ बच्चे हैं उन पे है, तो मेंटेनेंस की राशि ज्यादा हो सकती है। तो विशेष तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय मेंटेनेंस की राशि को कम या ज्यादा कर सकता है। अदर कंसिडरेशन, इसके अलावा ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, विशेष तथ्य और परिस्थितियां हैं, विच इज रिजिडरी कंसिडरेशन। द कोर्ट इज फ्री टू कंसिडर एनी कंसिडरेशन एंड फैक्टर्स विच हेल्प इन अराइविंग एट द जस्ट और रीजनेबल फिक्सेशन ऑफ मेंटेनेंस। अर्थात जो ये होंगी विशेष तथ्य और परिस्थितियां जो होंगी, अदर कंसिडरेशन जो होते हैं, वो न्यायालय के ऊपर है कि न्यायालय इसको न्याय और रीजनेबल उचित जहां पे न्यायालय को प्रतीत हो उस तरह से मेंटेनेंस को फिक्स। इसके अलावा सेक्शन 25 का थर्ड क्लोज रिवोक और स्काइंग की बात करता है कि न्यायालय भरण पोषण के आदेश का विखंडन भी कर सकता है। धारा 25 के सब क्लोज 3 के अंतर्गत यदि न्यायालय को समाधान हो जाए कि पक्षकारों ने इस पक्ष में धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश जैसे कि उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया या यदि पक्षकार पत्नी है और वो अनचेष्ट है या यदि पक्षकार हस्बैंड है और उसने किसी स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया किसी अन्य के साथ, तो वह उस आदेश को विखंडित भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी पक्षकार की डेथ हो गई, मृत्यु होने पर भी इस आदेश को विखंडित किया जा सकता है। भरण पोषण के आदेश के पश्चात भरण पोषण का आदेश इन तीनों आधारों पे या जो है न्यायालय द्वारा रिवोक किया जा सकता है। इस तरह आज हमने देखा कि न्यायालय जो है सेक्शन 24 में अंतरिम भरण पोषण और सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी हर मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के आचरण, वैवाहिक आचरण, विवाह के प्रति उनका आचरण, न्यायालय के प्रति उनका आचरण और उनके तथ्य और परिस्थितियां और उनकी इनकम आय के साधन को देखते हुए मेंटेनेंस को फिक्स करता है। थैंक यू।